और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है किसान आंदोलन पर। राहुल गांधी का कहना है, किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट इस समय सामने आया है। राहुल गांधी हालांकि किसान नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि किसान भाइयों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। न्याय के पथ पर कांग्रेस की पहली गारंटी। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है और राहुल गांधी ने यह कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। कांग्रेस का एमएसपी पर कानूनी गारंटी का फैसला राहुल गांधी ने किया है। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का यह ट्वीट आया है, कांग्रेस का एमएसपी पर कानूनी गारंटी का फैसला। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इस समय है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो शुरू की यात्रा उन्होंने मणिपुर से शुरू करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय मध्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस पूरे इलाके को पार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर भी उन्होंने किसानों से बातचीत की, किसानों से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो किसानों के साथ है। और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। यह कहना है राहुल गांधी का, 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टियर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं,